फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? ठीक होंगे? फिर होंगे आप सब लोग खैरियत से? ठीक ठाक होंगे? जो तबाही मचाई थी उसको सेट कर दिया था। अब उसके बाद जो केजू की रेनोवेशन हुई थी, थोड़ी बहुत पेज वगैरह यहाँ पड़े हैं, सारी डिशें कटोरियाँ सारी गौहर भाई ने दिलवा ली थी, सारी कुछ नया हो गया। देखे मैं धो के खड़ा किया था, तो एक दिन ये धूप में खड़े रहे हैं। अब ये भाई आए हैं, इनको कलर करेंगे सारा, आज इनको कलर करेंगे। वहाँ कलर पड़ा हुआ है और यहाँ मशीन भी आ गई है, ये मशीन पड़ी हुई है। ये अब शॉपर बिछा के उसके ऊपर कलर करेंगे। जो वसीम भाई, ये शेड आप ही ने बनाया था ना? ये सारा कमरा परिंदों का, ये इन्हीं भाई ने हमारा ये शेड बनाया था सारा। ये पिंजरे वगैरह सारी इन्हों की सेटिंग की हुई है, और लेकिन तोड़ा तो नहीं इन्होंने, लेकिन हमने किसी और से टुटवाया। आज ये इन पिंजरे के ऊपर कलर ये करेंगे। पहले शॉपर बिछा रहे हैं ताकि फर्श गंदा ना हो। ये सारे यहाँ पर फ्रेम लिटा दिए, यहाँ पे कलर बना रहे हैं भाई। यहाँ पे अभी यहाँ पे कलर करेंगे। मशीन अभी चालू कर रहे हैं, सर पे शापर लगा लिया ताकि बाल गंदे ना हो। मशीन चला ली है, अब इसमें कलर भरेंगे भाई। देखिए क्या बने हुए हैं आज। ये जो स्लेब बनाई थी इसके लिए छोटे से यहाँ पे आज ये स्लेब रखेंगे हम वो दो भी आज। यहाँ से इसका ये थोड़ा सा पानी का ये बना दिया इसने अच्छे से, और जो पाइप डल दिया था उसकी वजह से टूट गए थे, अब ये दोबारा बनाई है। टूटी लगी हुई है, यहाँ स्लेप रखेगा, रख लेगा ही आऊँ ऐसा करके लेके जा रहे हैं। भारी बहुत है स्लेप, इसकी मदद अकेला उठा के लेके जा रहे हैं। है मसाला बना रहे हैं जो वहाँ पर काम आएगा। स्लेप रखा लो भाई, बना रहे फिर मसाला बना। ये दोनों उठाएंगे अभी, ये भाई शुभाग भी खड़े हैं यहाँ पे, ये उठाएंगे यहाँ से। देख ना, मैं चाहिए बता यार। ओ मामा देख ना, चले कर ओए, देख ही बता, चले कर छोड़े। टेप इसने रख दी है यहाँ पे, पूरी फिट आ गई है। ओ जबरदस्त हो गई है। मसाला बना के इसने ये जो पाइप डाला था वो पाइप एडजस्ट किया सारा, और अब ये बाहर से वो जो स्लेब बनाई है उसके नीचे की जगह फिल करेगा, ये जगह फिल करेगा अभी इसने। थोड़ा सा यहाँ बना लिया, यहाँ से स्लेब, वहाँ स्लेब डाली थी ना उसके नीचे भी अभी खुरा बनाना है, और यहाँ पे भी खुरा बनाया। यहाँ टूटी लगी हुई थी ना कल, टूटी लगाई थी वहाँ से भाई इश्पाक ला ला के दे रहे हैं, और यहाँ ये बना रहे हैं। जो पाइप लगा हुआ था वो भी छुपा दिए इसने, वो देखे, और यहाँ से भी बना दिए। सफाई वगैरह कर दी है सारी, सारा कचरा चला गया दो भी, तू तो चमका ही खड़ा है। अब ये देखें यहाँ पे जो इस तरह भी बना दिए साफ सुथरा, फ्रोम मारे गए थे। अब ये पक्का हो गया, पानी का ढलान बन गया ना यहाँ पे, अब तो पानी इधर उधर रुकेगा नहीं। हाँ से बिल्कुल ये देखा, पता भी नहीं चल रहा, जो नाली बनाई थी पहले नज़र आ रही थी कि भाई अजीब सी है, इसने वहाँ से भर दी है इसको। तो ये सारा पानी है तो मोटर भर के सारा इधर आएगा, पता नहीं कैसे टी लगाया इसने घर भाई। ये देख सारा यहाँ पानी इकट्ठा हो गया। ये सीढ़ी वाली जगह खाली थी, वो टूट गई थी, अब उसको सही कर रहे हैं। ये यहाँ पे प्लास्टर कर रहे हैं, ये वाली दीवार इसने कर ली है, ये देखे सारी। अब ये पिलर कर रहा है, कलर डाल रहे इसमें ब्लैक करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों रहा कलर? लाता हूँ ये पेट्रोल की खुशबू आ रही है, सुन पेट्रोल है। यहाँ पे कलर करते रहेंगे, मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला है, मैं नीचे जा रहा हूँ अफ्तार करने के बाद भाई के पास आऊँगा कि कहाँ तक पहुँचे। अभी तो बहुत ज़्यादा केजेस पड़े हैं, देखिए सारे मेरे पीछे भी हैं, सारे भाई ने कलर कर लिया आज। कलरिंग करके नमाज़ पढ़ के मैं ऊपर आ गया हूँ, मास्क लगा के आऊँ, क्योंकि नीचे तक इतनी स्मेल जा रही है ना इस कलर की, तो मैंने कहा पता नहीं भाई मेरा तो यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से मैं मास्क लगा के आया हूँ। अभी देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचे हैं। छोटी वाली खिड़कियाँ की है अभी तक बस, सही नहीं है मशीन, यूँ तो फिर लेट हो जाएगी। ये तो बिल्कुल ही काम कर रही है, बिल्कुल ही नहीं काम कर रही है। चलो अल्लाह खैर करेगा, कर अब तो इसी का ही आसर है, और तो कोई ला नहीं सकते। वैसे लाइट ही चला गया अचानक से, खड़े हो गए, खड़े हैं अब, जैसे बैठे हुए थे अब आई है लाइट, इतनी देर कुछ भी नहीं किया जी। कल तो पेंट पूरा नहीं हो सका था, भाई चले गए थे रात को, तकरीबन 11 बजे गए। आपको दिखाता हूँ क्या क्या कलर करके गए, फिर वो यहीं रख गए थे सारा। अभी सिर्फ ये फ्रेम हुए हैं, ये जो फ्रेम थे ना जो फ्रंट पर लगेंगे
वो दरवाज़ा, ये फ्रेम और ये वाला पिंजरा जो हमारा ये ग्रे कलर का था ना, बस इसको भी ब्लैक कर दिया। ये भी सही तरह नहीं हुआ है, देखिए ना, ये भी कहीं कहीं से रहता है। फिर ज़्यादा लेट हो गई थी, 11 बज गए, तो फिर भाई चले गए थे। अभी ये सारे पड़े हैं, आज ये होंगे। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, तो अभी मैं अंदर चलता हूँ परिंदों के पास, आपको दिखाता हूँ। मैंने परिंदों के पास यहाँ पर देखो हमारे परिंदे, फिलहाल तो बेचारे ये सोच रहे हैं पता नहीं हमें क्या हो गया, इतने बड़े केजेस से हम इतने छोटे छोटे केजेस में आ गए हैं सारे। ये है कि जैसे कि आपको पता था कि मैंने इंक्यूबेटर में बच्चे रखे थे, और मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चे हैं जो ऐसे दिन पूरे होने वाले हैं, निकलने वाले हैं। तो माशाल्लाह से दो जो राह के बच्चे हैं वो निकल गए हैं। दो मैंने राह के मेरे ख्याल से 6 एग रखे थे, तो माशाल्लाह से उसमें से दो बच्चे निकल गए हैं कल। तो वो दो बच्चे दिखाते हैं छोटे, ये देखें, ये रहे, ये दो बच्चे निकल गए। ये तो बड़े वाले हैं ना, ये देखें, ये दो निकले हैं, ये पड़े हुए हैं। पहाड़ी ऐसे हैं, इन्होंने ये वाली जो लबड़ की जो स्टिक थी ना, ये वाली, ये खा गए हैं सुबह। फिर मैंने ना इनके केज से ला के लगाई है बड़ी स्टिक, जो थोड़ी सी ना टेढ़ी करके लगा दी है बड़ी वाली, ताकि ये काट ना सके। छोटी वाली को तो इन्होंने काट के देखे क्या कर दिया, दो टुकड़े कर दिए उसके। भाई आ गए, आज ये केजेस करना शुरू कर दिए भाई ने। ये दो केज हो गए हैं बड़े वाले, वो एक बड़े वाला वायलट वाला, और एक ये अब ये वाला कर रहे हैं। ये हम खड़े हैं भाई के पास, अब ये सारे पड़े, 3 केजेस पड़े हैं। हाँ, सारे केजेस रंग हो गए हैं, देखें ये सारे रंग कर लिए। बस ये लास्ट केज है, आखिरी केज कर रहे हैं, हो गया, बस आखिरी पोर्शन रह गए, बस यही वाली साइड रहती है। नहीं रहती, बस हो गया ये ऊपर, एक और दफ़ा मार दे बस। पता था हमने साथ के साथ ये घर की विंडो भी करवा दी है, अब ये दरवाजे वगैरह ये सारी हो जाएंगे, ये जितने भी लोहे के दरवाजे ना, ये भी कर देगा। हमने कहा चलो यहाँ पिंजरे रंग हो रहे हैं, वहाँ ये भी रंग हो जाएंगे, यहाँ का हाल देखें क्या हो गया। ये तो शुक्र हमने नीचे फर्श पे छापर बिछा दिया था, नहीं तो बाबा ने तो हमें बता देना था जो इसका हाल हुआ है। टाइम के अभी फीड करवाने आया हूँ, एक और गुड न्यूज़ मिल गई, अभी आपको दिखाता हूँ। हमारा एक और पहाड़ी का बच्चा निकल आया है माशाल्लाह से, देखो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, एक और पहाड़ी का बच्चा आ गया। उनका फीड का टाइम हो गया, तो सारे कैसे निकल रहे हैं कि हमें फीड करवाओ, सारे ऊपर आ गए, अपना फेस ऊपर उठा रहे हैं ना कि मैं फीड करवाओ। उनका फीड का टाइम हो गया, मेरा ख़त्म हो गया, बाजरे के इंतज़ार में बैठे। मैंने अभी देखे भी इनका बाजरा ला के देता हूँ सबका, ऐसे यू डाल देते हैं। यहाँ पे राजू का बाजरा तो पड़ा हुआ है, यहाँ पे रिंग नेक वगैरह का भी एक दफ़ा सारू की नज़र डाल लेते हैं। यार ये बार बार ट्रेन है, ये पहाड़ी देखें, ये वो नीचे से तंग करती है ना, बार बार मैं करता हूँ ऊपर, ये फिर नीचे कर देती है। पता तो क्या मसला है इसको, वो देखो कोने में बैठे तंग करने के लिए, इन्होंने भी अपनी स्टिक तोड़ दिया, वो देखो खा गए हैं। तो इनको भी फिर मैंने बड़ी स्टिक ला के लगाई है, इसी तरह जिस तरह उनको लगाई है, तो इन्होंने तो स्टिक काट दी अपने वगैरह। ठीक है, ये देखें इसकी फीमेल अंदर गई हुई है बॉक्स में, और यहाँ पर कुबाल्ट बैठे हुए, कुबाल्ट कहते हैं माशाल्लाह से। ये यहाँ पर भी बहुत अच्छी एक्टिविटी करे, यहाँ पे भी मेल फीमेल को ना फीड करवाते हैं। ये हमारा ये वाला पेयर, और यहाँ पर वायलट, वायलट का मेल बैठे हुए, वाइट, वाइट तो सबसे लास्ट में मैंने छोड़ा हुआ वाइट की, देखिए हो गई है। भाई को देखते हैं कहाँ तक पहुँचे, पूरे घर में बदबू कर रखी है यार, सारे घर वाले इतना गुस्सा कर रहे हैं कि भाई पूरा घर बर्बाद कर दिया, वाला दरवाज़ा कर लिया ऊपर से कर रहे नहीं खाना। बस ये कल पिंजरे यहाँ से शिफ्ट भी होने वाले हैं, वहाँ पर प्लस्तर वगैरह सारा कुछ हो गया है, सारा कुछ रेडी है। बस अब ये पिंजरे वगैरह फ्रेम का वेट था जो कि ये भी तैयार हो गया, अब इंशाल्लाह कल हम इनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। भाई ने एक दरवाज़ा कर लिया, अब ये दूसरे दरवाजे की तैयारी कर रहे हैं, वो वाला दरवाज़ा रह गया। मैं भी थक गया हूँ, काफ़ी देर से खड़ा हूँ यहाँ पर, कलर करवा रहा था गौहर भाई और मैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक क्वार्टर की जगह बाल्टी ले लेते ना, वो फायदा बन गई पता नहीं। बस ये गौर भाई 3 क्वार्टर लेके आए थे, चार थे।